नमस्कार, रितम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने G20 से भारत की साख को मिली मजबूती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत तरक्की के रास्ते पर है। भारत में अब पूरा विश्व अपना मित्र खोज रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर और डिजिटल एसोसिएशन यानी NBDA को नए गाइडलाइन लाने के और 4 हफ्ते का समय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट NBDA की उस अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि NBDA के वैधानिक ढांचे में कोई शुचिता और पारदर्शिता नहीं है। याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कड़ी टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि TV चैनल स्वनियमन रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आपकी बात से इस कोर्ट में कितने लोग सहमत होंगे। आप जब तक नियमों को सख्त नहीं करेंगे, जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी TV चैनल इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि आज एक कार्यक्रम में DMK नेताओं को सनातन विरोधी बयान के आड़े हाथ लिया। RN रवि ने कहा कि हमारा संविधान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और जो लोग हिंदू धर्म और सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो सब हिंदू धर्म का खात्मा ही नहीं विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने का एजेंडा भी पाले हैं। राज्यपाल ने कहा कि ये लोग कभी सफल नहीं होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ED द्वारा जारी समन के खिलाफ मुख्यमंत्री सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने CM हेमंत हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। बता दें कि ED ने जमीन घोटाले मामले में 13 और 26 अप्रैल को छापेमारी की थी और इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद किए थे। इस केस में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में CM सोरेन का भी नाम सामने आया जिसके बाद पूछताछ के लिए ED ने उन्हें 4 बार समन भेजा जिसमें वे उपस्थित नहीं हुए और ED के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे जहां उन्हें झटका लगा है। रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की 1 रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसे चीन से लगी LSE और पाकिस्तान से लगे LOC पर तैनात किया जाएगा। रक्षा अधिकारियों के अनुसार यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ा फैसला है। यह 150 से 500 किलोमीटर के बीच लक्ष्य को आसानी से तबाह कर सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगलों में छिपे आतंकियों के 5 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इसके साथ ही 1 तूफानुमा ठिकाने से जला हुआ शव बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों के अनुसार ये किसी आतंकी का ही शव है जो सेना की ओर से दागे गए मोर्टार से लगी आग में झुलस गया होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों की पहचान तौफीक नबी, जुहूल हसन और रियाज अहमद के रूप में हुई है। DTC बस मार्शलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। DTC के मार्शलों का कहना है कि उन्हें पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। पैसे नहीं मिलने की वजह से परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मार्शलों ने आगे कहा कि केजरीवाल सरकार लगातार अगले महीने सैलरी देने का झांसा दे रही थी लेकिन पिछले 5 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 16 साल बाद गोरखपुर दंगों के मुख्य आरोपी शमीम को गिरफ्तार कर लिया है। 27 जनवरी 2007 को मुहर्रम के दिन एक छोटे से विवाद के गोरखपुर में राजकुमार नामक युवक की मोहम्मद शमीम साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी जिसके बाद गोरखपुर में दंगा भड़क गया था। इस दंगे की आग में कई दिनों तक गोरखपुर जलता रहा था। इस दंगे की घटना के विरोध में सड़क पर उतरे वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को भी जेल जाना पड़ा था। वहीं 16 अगस्त 2007 को कोर्ट से आरोपी शमीम को जमानत मिल गई और इसके बाद से वो फरार चल रहा था। फिलहाल आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस के गिरफ्त में है।
पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने इसकी घोषणा की है। वहीं इस घोषणा के बाद पीएम मोदी ने भी खुशी जताई और एक्स पर लिखा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दृष्टिकोण और भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पर खुशी हुई। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को समाज सेवा के लिए सिंगापुर ने सम्मानित किया है, जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक रूप से की है। कार्यालय के अनुसार सिंगापुर सरकार सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए असम के सीएम ली गुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया है। इसके अलावा उन्हें सिंगापुर आने का निमंत्रण भी दिया गया है। पुरस्कार प्राप्त होने पर सीएम शर्मा ने आभार व्यक्त किया और कहा कि इस अवार्ड से यह साबित होगा कि असम का वैश्विक कद बढ़ रहा है। राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के साथ साथ अन्य कई योजनाओं पर भी काम हो रहा है। मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए राम जन्मभूमि परिसर पर कोटे यानी सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के उत्तर दक्षिण व पश्चिम दिशा में वर्गाकार सुरक्षा दीवार बनाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे, साथ ही 90 मूर्तियां कांस पर उकेरी जाएंगी। वहीं मंदिर के खम्भों में देवी देवताओं की मूर्तियां बन रही, जिसकी संख्या 6,000 से अधिक होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को लेकर पूरे देश में गम का माहौल है। सेना की ओर से जम्मू कश्मीर में आतंक को सफाया करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी आतंकियों को खुली चेतावनी दी है। सिन्हा ने कहा कि सेना के 2 अधिकारियों समेत 3 जवानों के लहू के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। इस घटना में शामिल लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा और उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि पूरा देश हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़ा है। मणिपुर में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मणिपुर पुलिस ने पुलिस की नकली वर्दी पहनकर अत्याधुनिक हथियार ले जा रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि मणिपुर में जबरन वसूली, धमकी और सशस्त्र बदमाशों द्वारा पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग करने की लगातार खबरें आ रही थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। भारत ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को 10 विकेट से हरा एशिया कप 2023 का खिताब 8वीं बार अपने नाम कर लिया। कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने ये शानदार जीत हासिल की। फाइनल मैच में श्रीलंकाई टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15.2 ओवर ही खेल पाई और 50 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 6 विकेट लेकर श्रीलंकाई टीम की कमर तोड़ दी। श्रीलंका की बल्लेबाजी के जवाब में भारत की ओर से लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे ओपनर खिलाड़ी ईशान किशन ने 23 रन और शुभमन गिल 27 रनों की नाबाद पारी खेली और सिर्फ 6.1 ओवर में श्रीलंका टीम को 10 विकेट से धूल चटा दी।